हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड काफ़ी दिनों बाद आफ्टर वन मंथ बाद मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड कर रही हूँ बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग टाइम टू शूट वीडियो। डेली ग्रूमिंग्स होती है, इस वजह से हम लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है वीडियो शूट करने का। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा वीडियो बताने वाली हूँ क्योंकि अभी का जो सीज़न है वो ब्रीडिंग सीज़न है। सो काफ़ी सारे घर में अभी किटन्स होंगे जो छोटे होंगे, 40 डेज़ 30 डेज़ ओल्ड अगर किसी के किटन्स है। तो आज मैं उन लोगों को बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बताने वाली हूँ जो कि कैट ड्राई फूड को लेके है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये मियो की टूना ग्रेवी है, ये और ये जो फूड है ड्राई फूड वो किटन फूड है ओशन फिश का, मियो का ही। सो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने किटन्स को यही फूड दूँ और कुछ ना दूँ ज़्यादा एक्स्ट्रा का। मैं पहले तो अपने किटन्स को मल्टीविटामिन्स पे डाल देती हूँ, जैसा कि ये मेरी सबसे फेवरेट मल्टीविटामिन्स है जो मैं अपने किटन्स को हमेशा 30 डेज़ में स्टार्ट कर देती हूँ। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये प्रोवी बूस्ट है एंड इसके 2 ड्रॉप्स में ही किटन अच्छे खासे हेल्दी हो जाते हैं। अगर आप इसको रेगुलर दे तो ये काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट करता है किटन की हेल्थ को। तो जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है किटन्स अभी 40 डेज़ ओल्ड है एंड मैंने सबको मल्टीविटामिन्स पे डाल दिया है। एंड ये कुछ 5 किटन्स है, सो मैं अभी सभी को एक एक करके मल्टीविटामिन्स दे रही हूँ। और आप ध्यान से देखिए, मैं 2 ड्रॉप से ज़्यादा किटन्स को नहीं देती हूँ मल्टीविटामिन्स क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है एंड ये ड्रॉप्स है तो सिर्फ 2 ही ड्रॉप्स काफ़ी होते हैं। आप देखेंगे कि आप अगर किटन का 30 डेज़ का वेट करेंगे एंड 40 डेज़ में फिर वेट करेंगे तो आपको खुद ब खुद बोन्स में भी फील बोन्स भी हैवी लगेंगे एंड वेट में भी अच्छे लगेंगे किटन्स। सो आप डेफिनेटली अपने किटन्स को जैसे ही 30 डेज़ के होते हैं मल्टीविटामिन्स पे डाल दीजिए। मैं प्रेफर यही करती हूँ, तो इट्स अप टू यू कि आप कोई भी अच्छे ब्रांड का मल्टीविटामिन्स अपने किटन्स को चालू कर दीजिए। हमेशा किटन का हेड ऊपर रहना चाहिए, पेट जो टमी साइड है वो नीचे रहना चाहिए, चाहे वो फीडिंग टाइम हो चाहे वो मेडिसिन टाइम हो, हमेशा हेड ऊपर करके ही आप उनको मेडिसिन दें। और ये मेरा 4th किटन है, मैं इसको भी 2 ड्रॉप्स दूंगी ऐसे ही। अब ये मेरा एक लास्ट किटन और बचा है, मैं उसको भी देके मल्टीविटामिन से आज का डोज कंप्लीट करूँगी एंड फिर मैं इनको ड्राई फूड दूंगी। सो ये लास्ट किटन है एंड इट्स डन एंड इट्स ऑलमोस्ट डन। सारे किटन्स मल्टीविटामिन्स ले चुके हैं। अब हम ये करेंगे कि उनको ड्राई फूड हमें कैसे खिलाना है ये देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है मैंने मियो का ओशन फिश किटन फूड लिया है। अब मैं मियो की टूना ग्रेवी लूँगी और मैं इसे इसके ऊपर डाल दूँगी। वैसे तो मैंने मिक्स करना चाहिए था बट अभी जस्ट 1st डे है तो मैं इन्हें सिर्फ टेस्ट के लिए अभी करवा रही हूँ। एंड सीडस इन्होंने स्मेल से ही खाना शुरू कर दिया है एंड मैं ऐसे करके सारे 5 किटन्स को खिलाना शुरू कर दूंगी। जैसा कि आपको दिख रहा है वीडियो में वो लोग स्मेल करके ही खाना शुरू कर दे रहे हैं एंड ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है खास करके किटन्स के लिए। ये सारे किटन्स ने खाना शुरू कर दिया है एंड जल्दी ही किटन्स वेट गेन कर लेंगे। Thank you.
एंड एज यू ऑल कैन सी उन लोगों ने काफ़ी सारा छोड़ दिया, बस ग्रेवी ग्रेवी खा लिए। बट इट्स अ गुड साइन कि उन लोगों ने खाने में इंटरेस्ट बताया है। एंड आप यही चीज़ उनको डेली सुबह शाम दोपहर में दीजिए एंड सी द डिफरेंस, हेल्थ में काफ़ी अच्छा डिफरेंस आ जाता है। सो यही स्टार्ट कीजिए। एंड आइज़, नोज, ईयर्स, आप तीनों अच्छे से सारे किटन्स का क्लीन रखिए, खास करके बैक साइड। वो जब भी पूप करते हैं तो काफ़ी टाइम किटन्स के पैर में भर जाता है, तो आप बेबी वाइप से उसको क्लीन कीजिए। और किटन्स जितने क्लीन रहेंगे उतने हेल्दी रहेंगे बिना इन्फेक्शन के। सो मेक श्योर आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें और सारे किटन्स को हेल्दी रखें। एंड इसके रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।